नमस्कार किसान साथी, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूं और यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो किसान साथी प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, या फिर मन बना चुके हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, प्राकृतिक खेती करना है, बिना खाद उर्वरक के हमें अपने खेतों में फसल उगाना है और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेके आना है, तो उन किसान साथियों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि आज के वीडियो में मेरा जो 4 साल का प्राकृतिक खेती का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं और काफी सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि हम अपने खेतों में ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आए और हमें अपने खेतों में खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड ये ना डालना पड़े। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भारत के हर एक किसान साथी तक पहुंचा दें। यदि आपने यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर किया तो हर किसान साथी तक यह प्रैक्टिकली जानकारी पहुंचेगी और जो किसान साथी कर्ज के दलदल में फंसे हैं, अपनी खेत की मिट्टी को खराब कर चुके हैं, उन किसान साथियों को लाभ मिलेगा। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह मैं जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें काफी ज्यादा संख्या में खरपतवार उगा है और साथियों यह मेरा ऑर्गेनिक प्लॉट है। इसमें मैं ना कोई खाद डालता हूँ, ना यूरिया डालता हूँ, ना DAP डालता हूँ, ना मैं कोई इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगीसाइड डालता हूँ। तो यह मेरा ऑर्गेनिक प्लॉट है। इसमें मैं तरबूज की खेती करता हूँ, खरबूज की करता हूँ, वेजिटेबल फार्मिंग करता हूँ। तो आप यह सोच रहे होंगे कि निखिल भाई आपने यह खरपतवार खत्म क्यों नहीं किया, इसके लिए आपने वीड कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो किसान साथियों, प्राकृतिक खेती की जो बात है ना वो यहीं से शुरू होती है और सफलता का जो राज है ना वो भी यहीं से शुरू होता है। तो किसान साथियों, यदि आपको प्राकृतिक खेती में सफल होना है और आप सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों पे बिना खाद और उर्वरक डाल के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लें, तो हमारी खेत की मिट्टी में यह 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमारी खेत की मिट्टी में यह 3 चीजें हैं तो हमें अधिक उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन की। हमारी खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो 1.0 से ऊपर होनी चाहिए और अभी हम देख रहे हैं कि अधिकतर खेतों में कार्बन की जो मात्रा है 0.3% के नीचे आ गई है। वहां पर यदि आप कोई भी फसल लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। आप कितना भी खाद उर्वरक उसमें डाल दें उसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन नहीं आ सकता, उसमें आपकी जो लागत है वो भी नहीं निकलेगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी खेत की मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोब, सूक्ष्म जीवाणुओं की जो संख्या है वो 1 ग्राम मिट्टी में 2 लाख से 2 करोड़ होनी चाहिए। यदि यह संख्या आपकी खेत की मिट्टी में है तो आपको अपनी फसलों में किसी भी तरह का कोई खाद उर्वरक नहीं देंगे, तब भी आपकी फसल ग्रोथ करेगी, क्योंकि ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमारी खेत की मिट्टी में और हमें प्रकृति ने प्रदान किए थे कि वो पौधे को बढ़ाएंगे, वो ही फूल लाएंगे, वो ही फ्लावरिंग करेंगे और कीटों से रक्षा भी वो ही करेंगे। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है जो फंगस को कंट्रोल करता है, मेटारिज्म एनासोपली है, बेबेरिया बेसियाना है जो कीटों को नियंत्रण करता है, बहुत से मित्र कीट हैं, लेडी बीटल, जो कि हमारी खेत में होते हुए हमारी फसलों में नुकसान वाले कीट आते हैं, उनका भक्षण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और प्रकृति की जो संरचना है उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। लेकिन इस चीज को भी हमने अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगीसाइड डाल के खत्म कर दिया। अब हमारी खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की यदि बात करें तो ना के बराबर हो गई और बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेत की मिट्टी से खत्म हो गए हैं। इसी के कारण हमें अपने खेतों में जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा देना पड़ रहा है, कीटों के लिए हमें बार बार स्प्रे करना पड़ रहा है और हमने अपनी खेत की जो व्यवस्था थी, जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसको खत्म कर दिया है। तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी खेत की मिट्टी में न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। यदि आपकी खेत की मिट्टी में मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं, तो आप वहां पर कोई भी फसल लगा दीजिएगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आने से नहीं रोक सकता। किसान साथियों, ये तीनों चीजें खेत की मिट्टी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज है, हमारी खेत की मिट्टी में मित्र केंचुआ का होना भी ज्यादा जरूरी है, जो कि देसी अर्थवर्म होना चाहिए, जो खेत की मिट्टी में अंदर 30 से 40 फीट जाता है और वहां से जो न्यूट्रिशन है वो लाके ऊपर की सतह पर छोड़ता है और मिट्टी में बाफसर ठीक से बनाता है, मिट्टी को मुलायम रखता है और जुताई में हमें सहायता होती है। तो किसान साथियों, यदि आपने इन चीजों को अपने खेत में बैलेंस कर लिया
तो आप वहां पर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेके आएंगे बिना खाद उर्वरक के, बिना रासायनिक दवाइयों के, और आपकी फसल सबसे अलग होगी, सबसे शानदार होगी, सबसे बेस्ट होगी। इसका जीता जागता और प्रैक्टिकली उदाहरण मैं खुद हूँ, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको काफी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप देखेंगे तो बहुत से वीडियो हमारी फसलों के यहाँ पर हैं, तो आप जाइएगा उन वीडियो को देखिएगा। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं खरपतवार की कि यह क्यों आवश्यक है। यदि इन तीनों चीजों को आपको अपने खेत में बढ़ाना है और अपने खेत में इन चीजों को संतुलन करना है, तो अपने खेत में प्रकृति की जो संरचना है उसको बना के रखना है। और यह जो खरपतवार है या प्रकृति की देन है, इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। और जिस दिन हमारे खेतों से यह खरपतवार खत्म हो गया, वहां पर हम यदि कोई भी फसल लगाएंगे तो उसका उत्पादन भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर खरपतवार नहीं उगते हुए भूमि बंजर कहलाती है, और बंजर भूमि में कभी किसी भी फसल का प्रोडक्शन नहीं आ सकता। तो किसान साथियों, इस चीज को हमें समझना है। यदि हम इस खरपतवार की बात करें तो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा संख्या में खरपतवार उगा है। यदि आपके खेत में खरपतवार हो रहा है तो आपके खेत में फ्री में हरी खाद हो रही है, और यह प्रकृति की बनाई हुई संरचना है। और हम इसी खरपतवार को खत्म करने के लिए महंगे महंगे हर्बिसाइड अपने खेतों में डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी बंजर हो रही है, और उसी के कारण जो हमने खरपतवार खत्म करना चालू किए वहां से ही हमारी खेत में लागत बढ़ी और समस्याएं बढ़ी हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। यह खरपतवार जैसे कि आप मेरे खेत में देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में है और काफी हाइट ले चुका है, लेकिन इसका दुष्परिणाम हमारे खेत में बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारी खेत की मिट्टी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और धरती माता अपना खुद श्रृंगार करती हैं। तो हमें खरपतवार को उगने देना है। यदि आप बरसात के सीजन में कुछ खेतों में खरपतवार उगने दें, वहां पर ना हर्बिसाइड डालें, ना निंदाई करें, ना कुछ करें, ना उसकी जुताई करें, और करीबन इतनी हाइट आप उसकी हो जाने दें, और उसके बाद में आप इतनी हाइट यदि हो गई है, फ्लावरिंग आपकी खरपतवार में आ गया है, तो आप उसमें जुताई कर दें या किसी भी सहायता से उसको आप अपने खेत में मिला दें, तो जब यह इतना सारा बायोमास जब डीकम्पोज होगा तो यह ह्यूमस बनाएगा। और खेती में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमस बनना। यदि आपके खेत में बायोमास रहेगा तो ह्यूमस बनेगा, और बायोमास रहेगा ही नहीं तो ह्यूमस कैसे बनेगा, क्योंकि हम जो फसल लेते हैं उसको काट लेते हैं और अपने खेत में हम बायोमास बचने ही नहीं देते, जिससे कि वो डीकम्पोज ना हो। अब हम कंपोस्ट खाद की बात करें तो कोई अपने खेतों में कंपोस्ट खाद डालता नहीं है, गोबर की खाद डालता नहीं है, क्योंकि घर में पशु नहीं है। तो हमें बायोमास को अपने खेत में देना पड़ेगा। यह बायोमास जब ह्यूमस बनेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो हमारी खेत की मिट्टी में सीएन रेशियो ठीक होगा। 10:1 में सीएन रेशियो यदि हमारे खेत में हो गया तो हमारी खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमारी खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे तो हमारी फसलों को पोषण देने की जरूरत या कीट नियंत्रण की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे खेत में स्वतः ही कीट नियंत्रण हो जाएगा, स्वतः ही पोषक प्रबंधन हो जाएगा। और जब यह इतना सारा बायोमास इतना ग्रीन है, आप देखिए पोषण से भरपूर बायोमास है, और जब यह बायोमास इसी खेत में मिलेगा तो हमारी खेत की मिट्टी में सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी। और किसान साथियों, एक राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खेत में अभी फसल लगी हुई है और इतनी शानदार फसल है कि आप देख के चौंक जाएंगे कि इतने खरपतवार में भी क्या कोई भी फसल हो सकती है, लेकिन इस खरपतवार का कोई भी साइड इफेक्ट उस फसल पर नहीं हुआ है। ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुकी है, ना ही भोजन बनाने की प्रोसेसिंग प्लांट्स में रुकी है, ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन उस फसल को मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है, 1000 लाइक इसमें कंप्लीट कराना है, और जो भी किसान साथी अपने मन में जो भी प्रश्न है वो इसके कमेंट बॉक्स में भर दें, भर भर कर कमेंट करें, जिससे कि मेरा भी आत्मबल बढ़े। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इस खरपतवार से मेरे खेत में क्या बेनिफिट हुआ है, इसको मैं कैसे मिलाता हूँ, कैसे डीकम्पोज कराता हूँ, और इसमें जो फसल है वो कैसी है, नेक्स्ट फसल इसमें मैं कौन सी लेने वाला हूँ। तो यह पूरी प्रैक्टिकली जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लो, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देखकर अपने खेतों में उसका लाभ ले सकें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई शॉर्ट में जानकारी मिलती रहती है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।